सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति देसी गर्ल। और आप सबको जैसे कि पता ही है कि आज हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अभी थोड़ा सा म्यूज़िक बंद हुआ है। इतनी देर से म्यूज़िक चल रहा था जिस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी, मतलब आई मीन बोल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत वैसे रील बना दी। एंड ये जो प्रोग्राम है वो मतलब मेरा भाई है, छोटा वाला बड़ा वाला दोनों भाई, और उसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड इसमें सबका ही मतलब सहयोग है, योगदान है। एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, और 8 या 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, और देखते हैं क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। और शायद ये जो वीडियो होगी बहुत लंबी हो सकती है, तो मैं 2 पार्ट में इसको मतलब पोस्ट करूँगी, 1 पार्ट 2, क्योंकि जो झांकियाँ आती हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग झांकी भी देखो। क्योंकि देखो कोई भी फेस्टिवल जब होता है या ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है ना, उसमें झांकियों का सबसे एक अलग ही मज़ा होता है। तो अगर आप झांकी अच्छे से नहीं देख पाओगे तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए मैं झांकी वाला व्लॉग पूरा अलग बनाऊँगी, और ये वाला व्लॉग मैं वैसे बनाऊँगी कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल सारी चीज़ें। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। ये देखो, तो अभी ऑलमोस्ट सब डन हो गया है, और नीचे मूर्ति वगैरह थी तो वो भी मैंने दिखा दी। एंड और जो भी मैं थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ऊपर नीचे जहाँ जहाँ से भी बनाई है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और मैं आज पहनने वाली हूँ सूट ग्रीन कलर का। आई थिंक आपने पहले सूट देखा है, तो सेकंड टाइम वो सूट पहनूंगी, क्योंकि जो मैंने न्यू सूट मंगवाया था मीशो से वो मैंने ऑर्डर तो करा था, आ भी गया था, बट उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी निकल गई, और एक सूट है जो फिटिंग नहीं हुआ है, इस वजह से मुझे ये वाला पहनना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो मैं जो भी होगा आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, और बहुत दिनों बाद ऐसा व्लॉग आ रहा है, एक अच्छा वाला व्लॉग आ रहा है, तो आई होप आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय कर रहे होगे। और तो अभी मैं जाती हूँ नीचे चाय वाय पीने के लिए, फिर थोड़ा तैयारी व्यारी करेंगे, अभी पूजा का सामान वगैरह भी लेके आना है, मूर्ति वगैरह फिर वहाँ पे स्थापित करेंगे। तो यहाँ से व्यू देखो गाइस कितना प्यारा है। तो गाइस ये है कृष्ण भगवान जी की मूर्ति, कृष्ण राधा जी की मूर्ति, जो हमने अंदर रूम में रखी है, हमारे पूजा वाले कमरे में रखी हुई है। और आपने अभी मटकी भी देखी थी जो रात के टाइम हम बनाएंगे, और बनाएंगे इन द सेंस उसको टांगेंगे हांडी के लिए। एंड यहाँ पे कुछ प्रिपरेशंस है जो हो चुके हैं, जो लड़ी वड़ी से आप देख रहे हो ये लग चुके हैं, एंड ये पूरा रोड ब्लॉक करके यहाँ पे थोड़ा स्टेज बन रहा है, और ये जो सेटअप लग रहा है डीजे का ये मेरे बड़े वाले भाई का है, मतलब दोनों मेरे से छोटे हैं, बट जो उनमें से जो बड़ा है वो उसका है। एंड ये देखो स्पीकर वगैरह लग रहे हैं, यहाँ पे मुझे ओवर वॉइस इसलिए करनी पड़ रही है, देखो सामने अमन डीजे भी है, तो मुझे ओवर वॉइस इसलिए करनी पड़ रही है, ये जो स्पीकर लगे हुए हैं इनमें चल रहे थे गाने, और आपको तो पता ही है गाने के साथ कैसे मैं व्लॉग बना पाऊँगी, है ना, तो इसलिए मुझे ओवर वॉइस करनी पड़ रही थी। पर गाने उस टाइम पर बहुत अच्छे चल रहे थे, और ये आप पूरा देख सकते हो इतना लंबा मतलब रोड है, और इतना स्पेस हमने लिया है, और अब जब आप देखोगे ना रात के टाइम ये पूरा भरा हुआ आपको नज़र आएगा पूरा। अभी आपको शायद ऊपर से, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर से बना रही हूँ, तो आपको ऊपर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम स्पेस है, बट एक्चुअल में जब आप इसको देखोगे ना बहुत ही मतलब ज़्यादा हमें जगह कवर करी थी, जैसे कि पब्लिक आराम से आ सके। सोचो पीछे वहाँ तक इतना लंबा जो है पूरा वहाँ तक पब्लिक कवर होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तो फाइनली अब ये पूरा सेटअप लग चुका है, मूर्ति वगैरह भी स्थापित हो गई है, एंड अभी हो रही है यहाँ पे हांडी की तैयारी, दही हांडी की तैयारी, जो रात के टाइम मटकी फोड़ी जाती है। तो यहाँ पे ये मटकी तैयार करी जा रही है, इसके अंदर दूध दही जो भी चीज़ें डाली जाती है, फूल वूल डाले जाते हैं, तो वो सारी प्रिपरेशन चल रही है, एंड आप सब देख ही सकते हो। और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी। एंड इसके अलावा ये जो पर्पल आपको उसमें दिख रहा होगा वो मेरा भाई है, अभी आपको नज़र आएगा वो थोड़ी देर में, और बड़ा वाला भाई वहाँ लगा हुआ है डीजे में ही, जो स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट में है।
तो फाइनली हमारी यह हांडी तैयार हो रही है, और इसके बाद में इस हांडी को टांगा जाएगा नीम के पेड़ पे, जो आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप जाके देखना, एंड बहुत 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 ही मज़ा आएगा। और पहले वाला व्लॉग देखकर अगर आपने देख लिया होगा तो शायद सेकंड वाले व्लॉग को भी आप बहुत इन्जॉय करोगे। तो मैंने मतलब पहले स्टोरी पे भी लगा दिया था कि 2023 की जन्माष्टमी और 2024 की जन्माष्टमी हमारी कैसी रही। तो अभी आप जो देख रहे हो ये सारा हमारे घर के बाहर का ही सीन है, एंड हमारा जो रोड है वो काफ़ी खुला रोड है, तो ये एडवांटेज है जो हम आराम से कर लेते हैं। ये मेरा छोटा भाई है जो इसमें मेन लीड लेता है, उसके सारे दोस्त जितने भी हैं सब उसको सपोर्ट करते हैं, और हमारे कॉलोनी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे कॉलोनी के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम करवाया था। तो फाइनली पूजा का टाइम स्टार्ट हो गया। मेरा छोटा वाला भाई भोले बाबा को तिलक लगा रहा है, भगवान जी की पूजा स्टार्ट होती है, उसके बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यहाँ पे ग्रीन साड़ी में आंटी है, एनी अंकल है, तो पब्लिक थोड़ी थोड़ी आके बैठ रही है, तब तक हमारी यहाँ पूजा वगैरह हो रही है। एंड ये जितने भी हैं ये हमारे साथ के ही हैं, ये आप रेड टी शर्ट में देख रहे हो ये मानव है, इधर ये जो साड़ी में ये ग्रूमा है, तो ये कीर्तन भजन करते हैं कालका माँ का, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो अगर आप लोग भी कीर्तन वगैरह करवाना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी, और आपके यहाँ भी कीर्तन बहुत अच्छा करेंगे, जागरण वगैरह में भी बहुत अच्छे भजन गाते हैं। तो फाइनली मम्मी अब इनको भोग वगैरह लगा रही है। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देती हूँ, ये वाला जो व्लॉग है ना, ये इसमें मैं नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें डाल रही हूँ, लाइक जो जो चीज़ें हुई हैं शुरू से लेके बाद तक। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मटकी है उसको ऊँचा करा जा रहा है, मटकी पहले बहुत नीचे थी, इस मटकी को ऊँचा करा जा रहा है। यहाँ पे सारा प्रोग्राम फिनिश हो चुका है, जो झांकी वाली वीडियो अगर आप सभी को हमारा प्रोग्राम अच्छा तो जोरदार तालियां बजा दो, बस एक बार ही हर बार की तरह बजा दिया जाएगा एक बार वाला जो ब्लॉग आएगा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर मैंने चाहा था कि आप रैपर रहिएगा और बट इसमें आपको जो जो भाई सुधार रहेगा नहीं आएगी। तब जो भी लोग जिनको भी झांकी देखना पसंद है तो आराम से झांकी वाला व्लॉग एंजॉय करना, जो पूरा देखना चाहते हैं भाई पहले क्या हुआ बाद में क्या बाद में क्या हुआ बीच में क्या हुआ, उनके लिए ये वाला व्लॉग है। और अगर कोई दोनों देखना चाहते हो तो दोनों दोनों ही देख सकते हैं। और दूसरी बात ये था उसके अंदर सॉन्ग वगैरह रहेंगे, और इस वाले में मैं उसको डालती तो उसमें आप सॉन्ग उसमें नहीं सुन सकते। यहाँ पे कन्हैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की, कन्हैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। साथ में गवाओ, छोड़ दे गवा, अरे आरती गवाओ जितने भी भाई ग्रुप बनाओ। कृष्ण कन्हैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की मुरली बजैया की। तो गाइज यहाँ पे हो रही है आरती, और ये सारे हमारे गली मोहल्ले के ही बच्चे हैं, और मम्मी आंटी वगैरह सब हैं। हम आरती कर रहे हैं कृष्ण भगवान की, क्योंकि 12 बजे के बाद जन्माष्टमी थी तो कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे आरती हो रही है, सामने वहाँ मटकी फूट चुकी है या फिर तैयारी हो रही थी उसकी, मुझे पक्का श्योर मैं नहीं हूँ, शायद मटकी फूट चुकी है। और जो मटकी जिसने फोड़ी थी वो था आदि, और मतलब उसने इतने अच्छे से उस मटकी को फोड़ा मतलब मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, बट उसने जैसी एक बार मटकी पकड़ी उसने वो मटकी को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि वो नारियल से फोड़नी थी, उसके हाथ से वो फूटनी नहीं थी, नारियल शायद गिर गया था उसके हाथ से, फिर उसको कड़ा दिया गया तो उसने शायद कड़े से मतलब उसको तोड़ा। तो अभी आप देखो थोड़ा हाँ अब फोड़ेंगे इसको, ये मुझे पता नहीं था। तो ये सारे हमारे गली मोहल्ले के ही हैं, कुछ कुछ थोड़े दूर के बाहर के भी हैं जो यहाँ पे आ रखे हैं। और ऐसे टाइम पे तो देखो सबका आना बनता है, देखो छत पे भी देखो कितनी भीड़ है, और इसमें से आधी पब्लिक तो चली गई थी मटकी वाले टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लोग का व्रत होता है 12 बजे के बाद, है ना, तो जाहिर सी बात है सबको अपने अपने घर जाके व्रत से पहले कुछ खाना पीना भी होता है, सारी चीज़ें होती है। तो
तो काफ़ी जो लेडीज़ वगैरह हैं, कुछ लोग जो थे वो चले भी गए थे, बट उससे पहले सब लोग यहाँ थे और सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। एंड देखो ये है आदि, इसने भी बहुत मेहनत करवाई थी तो फाइनली ये मटकी तक पहुंच गया। और सबसे मज़े की बात, ये लटक गया अकेले मटकी पे। देखो इसने बहुत ट्राई करा, मतलब बहुत ही इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो मतलब सच में। एंड जिस जो मटकी बांधी गई थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बांधी गई थी, हैट्स ऑफ के जिन्होंने इतने अच्छे से मटकी बांधी है। तो फाइनली मटकी फूट गई है एंड बहुत ही अच्छा लगा, सबने बहुत इन्जॉय करा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, आप म्यूज़िक थोड़ा मिस कर रहे हो आई अंडरस्टैंड, पर ये सब लोग म्यूज़िक पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लोग म्यूज़िक वाली सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देखना, इंस्टाग्राम आईडी मेरी प्रीति देसी गर्ल के नाम से ही है। एंड यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स वीडियोज़ में देखना, ये देखो छत पे कैसे लोग सारे बैठे हुए हैं, तो शॉर्ट्स वीडियो हैं उसके अंदर हमारी सारी, उसमें सारे सॉन्ग के साथ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फाइनली ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे समाप्त होती हुई, अब आप देख सकते हो। सो गाइस फाइनली प्रोग्राम हो गया है और बहुत अच्छे से हुआ। एंड अभी यहाँ से सामान हटा रहे क्योंकि मेन रोड पड़ता है और सुबह लोग गाड़ी वगैरह लेके भी जाएंगे। एंड मतलब इस बार ये था, पिछली बार ये था थोड़ा लेट झांकी वगैरह आई थी, इस बार ये था कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आ रही थी और मैंने भी बहुत डांस किया। तो देखते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। देखो गाइस इसको लगाने में ना इतना टाइम लगा था, पूरा दिन लग गया। और देखो अब हटाने के लिए, हाँ फाइनली व्यू कैसा जा रहा है। ऑलमोस्ट सामान हट चुका है, सो गाइज ये है मेरे भाई का डीजे। तो हमारी कॉलोनी में एक जन्माष्टमी और बनी थी, तो ये उसी जो जन्माष्टमी में जो मूर्ति लगी थी उनका विसर्जन करने जा रहे हैं। तो ये डीजे पे ऊपर मेरे भाई, छोटा भाई वगैरह बैठा है एंड बड़ा वाला भाई टम्पू चला रहा है। ये सारे मतलब ऑलमोस्ट हम हमारे जानने वाले ही हैं, सारे भाइयों के दोस्त ही हैं। तो ये अब सारे लोग जो भी हैं ये मूर्ति विसर्जन करके आ गए हैं। और यहाँ पे पीयूष भी बहुत इन्जॉय कर रहा है। तो ये रेड टी शर्ट में जो है ये मेरा बड़ा वाला भाई है और पीयूष भी खूब डांस कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने भी इन्जॉय करा होगा। ये देखो येलो टी शर्ट में चाचा जी हैं जो पीयूष को लेकर डांस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसके अंदर आपको सारी झांकियां देखने के लिए मिलेंगी, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही अच्छा व्लॉग है वो वाला। एंड यहाँ पे जो सॉन्ग चल रहा है वो झुमी झुमी वाला जो सॉन्ग था जिसमें काली माता ने डांस करा था, वो वाला सॉन्ग चल रहा है और इतना फनी डांस करा था इन बॉयज़ ने, मज़ा आ गया।